ओम गणपते नमो नमः। गणेश फेस्टिवल आ रहा है और आप भी उन लोगों में से जिसने एंड मोमेंट पे सोचा है कि गणपति लाने हैं बट कोई आइडिया नहीं कि किस टाइप का डेकोरेशन करना है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिंपल सा डेकोरेशन आप 15 मिनट्स में कैसे कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं कुछ आपसे एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स शेयर करूंगी कि आपको किस टाइप के गणपति लाने चाहिए और क्या करना चाहिए। तो वो टिप्स है ये। सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ा मिथ है कि गणपति जी को अगर आप एक बार ले आए तो आपको हर साल लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। गन्नू को अगर आप इस साल लाए हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर ना ला पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम हिंदू में वैसे भी गणपति जी हमारे घर में होते ही हैं, तो आप उनकी पूजा वैसे भी करते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज कि गणपति जी की सूंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाले लाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि वो हमारी विशेष जल्दी पूरी करते हैं। बट राइट हैंड साइड वाले भी ले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गणपति जी को जब आप घर लाएंगे तो उनके ऊपर पीला कपड़ा ढक के आपको उन्हें लाना है और वो आप यहाँ पे आके खोल दीजिए। गणपति जी को प्लीज करना बहुत ही इजी है और इस फेस्टिवल को आप एंजॉयमेंट से बनाइए। कोई भी बोझ लेके अपने मन में या किसी भी इस चीज को लेके कि मुझे ये करना है वो करना है, नहीं, भगवान हमेशा आपकी भावनाओं को देखेंगे और उनसे आपसे खुश होंगे, तो वो आप करिए और आपसे खुश हो जाएंगे। इस टाइप के आपको प्लेन पेपर कप्स लेने हैं जिसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन ना हो और ग्लू गन या कोई भी ग्लू। अब मैं इस तरीके का एक पैटर्न फॉर्म करूँगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आपको ग्लू गन या किसी भी ग्लू की हेल्प से इस तरीके से अपने पेपर कप्स को जोड़ते जाना है। मैं यहाँ पे 4 लेवल का दिया स्टैंड बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे ज़्यादा का या कम का भी बना सकते हैं अपने गणेश जी के साइज़ के अकॉर्डिंग। ऐसे ही करके मैंने देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने 2 इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर स्प्रे पेंट करूँगी। आप उसको अच्छी तरीके से शेक करिएगा, फिर इसके ऊपर स्प्रे करिएगा। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर यूज़ किया है, आप अपना कोई भी मनचाहा कलर यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर मैंने 15 to 20 मिनट्स ड्राई होने के लिए रख दिया है। इस वाली वॉल पे मुझे डेकोरेशन करना है। मैंने यहाँ पे 2 चुन्नियाँ ली हैं अच्छे गोटे वाली और मैंने यहाँ पे एक वुडन रिंग ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास ना हो तो भी चलेगा। अब मैं इस वुडन रिंग के अंदर अपनी जो चुन्नियाँ हैं उनको अच्छी तरीके से 2 लेयर की तरह फॉर्म कर दूंगी। देखिए, इस तरीके से मैंने उसके अंदर डाला और 2 लेयर बना दी। सिंगल नहीं, 2 लेयर आपको बनानी है। सेकेंड चुन्नी के साथ भी मैं यही करूँगी। उसको लेके मैं उसके अंदर उसको हैंग कर दूंगी कि वो 2 लेयर में बन जाएगा। मैं टेबल के ऊपर सबसे पहले एक बेडशीट बिछाऊंगी ताकि एक अच्छा बेस बन जाए। सेफ्टी पिन की हेल्प से अपनी चादर को अच्छी तरीके से टक कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे 2 चुन्नियाँ और ली हैं, उनको मैं अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी टेबल पे। जो चुनिया मैंने उस वुडन रिंग में हैंग की थी, अब मैं उनको भी अच्छी तरीके से स्प्रेड करके टक कर दूंगी सेफ्टी पिन की हेल्प से। देखिए, रेड मैंने कॉर्नर में लिया है एंड येलो बीच में। आर्टिफिशियल फूलों की लड़ी ली है मैंने, इसको मैं वुडन फ्रेम के आसपास अच्छी तरीके से रैप कर दूंगी। ये ड्राई हो चुके हैं। ये फोम शीट ली है मैंने। अब मैं इसके दोनों तरफ, दोनों एंड्स पे इस तरीके से कैंडल स्टैंड को स्टिक करूंगी ग्लू गन की हेल्प से। देखिए, स्टिक हो गया है। अब मैं एक और फोम शीट लूंगी, ग्लिटर वाली ही। अब मैं इसको कट करूंगी सर्कल वाले शेप में। अब इस फोम की शीट को भी मैं इसके लास्ट वाले पॉइंट पे, देखिए इस तरीके से, ताकि सिंहासन का फॉर्म ले ले, इस तरीके से मैं उसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। देखिए, गन्नू भगवान को बिठाने के लिए हमारा सिंहासन रेडी है। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट में कितना सुंदर सा हमने डेकोरेशन कर लिया है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। देखो, ये हमने जो यहाँ पे वुडन रिंग यूज की थी, हम उसकी जगह यहाँ पे बैंगल्स में अपनी चुनियाँ डाल के भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास वुडन रिंग नहीं है तो। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर प्यारा सा लग रहा है। ये ओनली 15 मिनट्स बना है, तो आपको वेट किस चीज का है। आप भी जाइए और ये फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। गन्नू जी आए हैं मेरी फ्रेंड के घर, जिसका चैनल है डाइट विद दिव्या मिश्रा। आप उसको भी फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वाले वीडियो को तो आपको सबके साथ शेयर करना है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।